With the title deciding at the very last day, Serie A ने witness किया एक amazing season और AC Milan बनी champions of Italy. लेकिन इस जीत के पीछे credit जाता है उनके manager Stefano Pioli को, जिनकी वजह से Milan won the Scudetto after 11 years. लेकिन कैसे एक short term manager appoint हुए Pioli ने बदली Rossoneri की तस्वीर और उनको बनाया champions of Italy? ये सब जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इंट्रो म्यूजिक। तो इन अक्टूबर 2019 में स्टेफानो पायोली अपॉइंट हुए थे एज इंटरिम मैनेजर, उस टाइम पर जब एसी मिलान स्ट्रगल कर रही थी एट 13th इन द टेबल। पर इतने शॉर्ट पीरियड टाइम में भी पायोली ने मिलान को 6th फिनिश कराया और इसी परफॉर्मेंस की वजह से उनको मिला 2 साल का एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वैसे तो एसी मिलान का ओरिजिनल प्लान नहीं था, क्योंकि राल्फ रैग्निक वॉज ऑल सेट टू टेक ओवर मिलान फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन। तो अब बात करते हैं हाउ पायोली एंड मिलान डिड इट। समर ट्रांसफर विंडो में मिलान ने काफी ही अच्छा बिजनेस किया, जहां पर उन्होंने रिक्रूट किए प्लेयर्स लाइक कलुलू, केयर, टोनाली, ब्राहिम डियास और रेविज जैसे प्लेयर्स, जिन्होंने टीम में प्रोवाइड करी स्टेबिलिटी और एक्सपीरियंस। और इसका एक हिडन क्रेडिट जाता है मिलान के करंट टेक्निकल डायरेक्टर पाओलो मेल्डिनी की ट्राई बिफोर यू बाय अप्रोच को भी, जिसकी वजह से उनको मिली काफी अच्छी डील्स इन द मार्केट। वैसे तो इन 2021 सीजन में मिलान कुछ नहीं जीता और फिनिश करा सेकंड, लेकिन पायोली ने अगले साल ही मिलान को टाइटल जिताकर ये प्रूफ किया कि ही इज द कंप्लीट मैन फॉर द जॉब। और यहां पर आता है एक हमारा फन फैक्ट, पायोली ने पिछले 17 सालों में 13 टीम्स को मैनेज किया, लेकिन नेवर एवर वॉन अ सिंगल ट्रॉफी बिफोर। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्मेशन और टैक्टिक्स की। स्टेफानो प्रेफर्स टू प्ले इन अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक, पिछले 2 सीजनों में टोनरुमा वॉज मिलान्स परफेक्ट कीपर, लेकिन आफ्टर हिज मूव टू पेरिस पायोली ट्रस्टेड मेनियन एंड ही डिडंट डिसअपॉइंट। ऑल्दो 6 गेम्स मिस करना इंजरी की वजह से, मेनियन हैज वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपिंग रेट इन द लीग और प्रोवाइड करे 17 क्लीन शीट्स इन 32 गेम्स। डिफेंस में लेफ्ट और राइट फ्लैंक संभाला थियो हर्नांडिस और कैलेब्रिया ने। ये दोनों ही फुलबैक्स जाने जाते हैं अपनी अग्रेसिव पेस और ओवरलैप्स की वजह से। इससे मदद मिलती है मिलान के मिडफील्ड को विद स्पेस और आगे प्रेस करने का मौका। सेंटर बैक में फिकायो टोमोरी, जिसको चेल्सी ने पहले लोन पर भेज दिया था ड्यू टू लैक ऑफ प्लेइंग टाइम की वजह से, ने सीमेंट की अपनी पोजीशन इन मिलान टीम और निभाया एक इम्पॉर्टेंट रोल, जो कि था होल्डिंग द डिफेंस लाइन। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त अगर हम top 5 सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड का नाम लें तो टोमोरी का नाम उसमें जरूर होगा। तो अब बात करते हैं मिलान की मिडफील्ड, जिसके कोर प्रिंसिपल्स हैं विड, क्विक पासिंग और प्रेसिंग। प्लेयर्स जैसे कि लियाओ और सेल्स मेकर की स्पीड और पेस काफी ही खतरनाक हो जाती है जब वो मिलती है विनाशर और फ्रैंक केसी के पासिंग के साथ, जिसकी वजह से मिलान क्रिएट करती है और भी ज्यादा चांसेस इन देयर ऑपोजिशन बॉक्स और डोमिनेट करती है इन द मिडफील्ड विद देयर बॉल पोजिशन। फ्रंट लाइन में पायोली यूज ज्लाटान इब्राहिमोविच, हु इज ऑलवेज हंग्री फॉर गोल्स। बहुत सारे क्रिटिक्स ने इब्रा को राइट ऑफ कर दिया था ये कहकर कि नाउ दैट ही शुड रिटायर, लेकिन लाइंस डोंट कंपेयर टू ह्यूमंस। अपने पहले ही सीजन में 10 गोल्स इन 18 अपीयरेंस में ही प्रूव किया कि ही इज हेयर टू स्टे। लेकिन ड्यू टू इंजरी पायोली आल्सो ब्रॉट इन एक और डेडली स्ट्राइकर इन द फॉर्म ऑफ ओलिवर जिरू, हु स्कोर्ड 11 गोल्स इन 22 गेम्स फॉर रॉसिनेरी दिस सीजन, जो कि अगेन एक अच्छा एडिशन था बैक्ड बाय टेक्निकल डायरेक्टर पाओलो मेल्डिनी। अब स्कुडेटो जीतने के बाद ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मिलान की ये यंग टीम अब अगले साल यूरोप में कैसा परफॉर्म करती है। क्या पायोली विल टेक मिलान टू इट्स अनदर यूरोपियन सक्सेस, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। दिस वॉज टैकल फ्रॉम बिहाइंड स्टोरीज, सपोर्टेड बाय इंडियाज वेरी ओन प्रेट पे प्लेटफॉर्म खेल राजा। और हम आपको मिलते हैं अब अगले स्टोरी में।